और जरूरतमंद परिवारों को निशुल्क दी जाने वाली भोजन पैकेट और राशन सामग्री का वितरण आज से बंद कर दिया है। इस व्यवस्था के प्रभारी निगम के अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया कि कल रात 10 बजे से ही इसके लिए स्थापित कॉल सेंटर को भी बंद कर दिया गया है। आज सिर्फ उन लोगों को राशन सामग्री दी जाएगी जिन्होंने कॉल सेंटर या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से राशन लेने के लिए नाम लिखवा रखे हैं। कल से किसी भी तरह का राशन और भोजन पैकेट का वितरण नहीं किया जाएगा। संदीप सोनी ने बताया कि लगभग 29 लाख भोजन पैकेट और 29 लाख राशन पैकेट का वितरण वे कर चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि निश्चित ही शहर के लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए निगम की इस योजना से बहुत मदद मिली है। श्री सोनी ने कहा कि निःशुल्क भोजन और राशन सामग्री वितरण को तैयार करने में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगभग 21-21 घंटे प्रतिदिन काम किया है। इंदौर के दानदाताओं ने भी काफ़ी मदद की है। वहीं इस योजना के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाले निगम के ठेकेदार पप्पू भाटिया ने कहा कि मैंने 500 लेबर लगाकर दिन रात यहाँ काम किया, 40-50 छोटी बड़ी गाड़ियाँ लगाई। उद्देश्य यही था कि जरूरतमंद को समय पर राशन सामग्री मिल जाए।